आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जिला रंगारेड्डी के मुचंतल में संत रामानुजाचारी के मुजस्मे नकाब कोशाई की, देखिए तफसीली रिपोर्ट। भारत के स्वाधीनता संग्राम में समानता, मानवता और अध्यात्म की वो ऊर्जा भी लगी थी जो भारत को रामानुजाचार्य जी जैसे संतों से मिली थी। क्या हम गांधी जी के बिना अपने स्वाधीनता संग्राम की कल्पना कर सकते हैं? और क्या हम अहिंसा और सत्य जैसे आदर्शों के बिना गांधी जी की कल्पना कर सकते हैं? आज भी गांधी जी का नाम आते ही वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए ये धुन हमारे अंतर मन में बजने लगती है। इसके रचयिता नरसिंह मेहता जी रामानुजाचार्य जी की भक्ति परंपरा के ही महान संत थे। इसलिए हमारी आजादी की लड़ाई को जिस तरह हमारी आध्यात्मिक चेतना ऊर्जा दे रही थी, वही ऊर्जा आजादी के 75 साल में हमारे अमृत संकल्पों को भी मिलनी चाहिए। और आज जब मैं भाग्यनगर में हूं, हैदराबाद में हूं, तो सरदार पटेल जी का विशेष उल्लेख जरूर करूंगा। वैसे किशन रेड्डी जी ने अपने वक्तव्य में बड़ा विस्तार से उसके लिए कहा, भाग्यनगर का कौन ऐसा भाग्यशाली होगा, कौन ऐसा हैदराबादी होगा जो सरदार पटेल की दीर्घ दृष्टि, सरदार पटेल का सामर्थ्य और हैदराबाद के आन बान शान के लिए सरदार साहब की कूटनीति को न जानता हो। आज देश में एक और सरदार साहब की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की शपथ दोहरा रही है, तो रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी समानता का संदेश दे रही है। यही एक राष्ट्र के रूप में भारत की चीर पुरातन विशेषता है। हमारी एकता सत्ता या शक्ति की बुनियाद पर नहीं खड़ी होती, हमारी एकता समानता और समादर इस सूत्र से सृजित होती है। और साथियों, आज जब मैं तेलंगाना में हूं तो इस बात का जिक्र भी जरूर करूंगा कि कैसे तेलुगु कल्चर ने भारत की विविधता को सशक्त किया है। तेलुगु कल्चर की जड़ों का विस्तार सदियों में फैला हुआ है। अनेक महान राजा रानियां इसके ध्वज वाहक रहे हैं। सातवाहन हो, काकातिया हो या विजयनगर साम्राज्य, सभी ने तेलुगु संस्कृति की पताका को बुलंद किया। महान कवियों ने तेलुगु संस्कृति को समृद्ध किया है। पिछले वर्ष ही तेलंगाना में स्थित 13वीं शताब्दी के काकातिया रुद्रेश्वर रामाप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने पोचमपल्ली को भी भारत के सबसे बेहतरीन टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया है। पोचमपल्ली की महिलाओं का हुनर पोचमपल्ली साड़ियां के रूप में विश्व विख्यात है। ये वो संस्कृति है जिसने हमें हमेशा सद्भाव, भाईचारा और नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शमशाबाद एयरपोर्ट पर खैर मकदम और विदा करने वालों में गवर्नर टी साई सुंदरा राजन और रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव और दिगर शामिल है।
इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।